कहते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज कॉल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज का ही फ्लो है बच्चा, ठीक है। अगर यहां मैं बात करूं तो चार्ज कितने तरीके का, तो चार्ज भी सर दो तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बच्चा एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपके लिए नेगेटिव चार्ज, जिसको आप धन आवेश और ऋण आवेश के नाम से भी जानते हो, धन आवेश और ऋण आवेश के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर यहां पर मैं नेक्स्ट बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी ना मेनली दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को मेनली दो तरीके से बच्चा क्लासिफाई किया जाता है, एक कहलाता है आपके लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा कहलाता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो मुख्य प्रकार है बच्चा, इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ दो तरीके का आपको इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक कहलाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बच्चा, जबकि दूसरा कहलाता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या कहलाता है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आइए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी किसका नाम है, ये कौन ऐसा चिड़िया है जो एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है हमारा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है इनकी एक बार चर्चा हो जाए। तो कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से अब समझना है सभी बच्चों को, एक सेकेंड सभी के कमेंट देख लूं किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही, चलिए क्लियर है, ठीक है ना। अब बच्चा यहां से ध्यान से देखना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। कहते हैं ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको कमर्शियल एप्लीकेशन में नहीं यूज किया जा सके, इसके चार्ज स्थिर रहते हैं लगभग, इसके द्वारा कोई भी धारा फ्लो नहीं करता, इसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, कहते हैं कि दो इंसुलेटर के द्वारा, दो मटेरियल के द्वारा घर्षण के कारण स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका कोई कमर्शियल एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। तो आइए बच्चा अगर मैं इसकी बात करूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर इसकी बात करूं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसका चार्ज क्या रहेगा, इज स्टैटिक। चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक, सबसे पहली बात। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या रहेगा, स्टैटिक। दूसरा, इट इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, ऑब्वियसली ये बहुत कम अमाउंट में डेवलप होता है जिसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए नहीं कर सकते। तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली by friction of insulators के friction के कारण बच्चा ये क्या होता है आपका mainly produce होता है। insulator के friction, आप ये कहोगे कैसे insulator का friction, तो देखिएगा आप कभी बाल कंडक्टर नहीं है, ये प्लास्टिक है ये भी कंडक्टर नहीं है, अगर मैं इसको रगड़ूंगा ना तो क्या होगा, इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। यही तो है स्टैटिक चार्ज, मतलब कुछ न्यूट्रल जो एलिमेंट्स होंगे और न्यूट्रल एलिमेंट्स होंगे उसको आपस में जब घर्षित जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है, ट्रांसफर कर जाता है, जिसके कारण उस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन्स अनबैलेंस होता है और उसी के कारण वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है।
यानी एक स्टेटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्टेटिक। फिर वो क्या करता है, न्यूट्रल होने की कोशिश करता है, और न्यूट्रल होने के क्रम में ही इस स्थिति को ही बोलते हैं क्या, हम वो स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं आपको बताऊं, वेट अ सेकेंड, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पहले बता देता हूं। आइए वेट, ये कुछ कंडीशंस है। ये देखिए दो इंसुलेटर यहां पे है, पहले इसके अंदर फ्रिक्शंस हो रहे हैं, पहले इसके अंदर फ्रिक्शन हो रहे हैं। दूसरी स्थिति में ये फ्रिक्शंस लगातार चल रहा है। देखिए फ्रिक्शन जब हुआ तो फ्रिक्शन, अब इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स में, मैं बता देता हूं एक बार। नेक्स्ट ये शिफ्ट कर रहा बच्चा। थर्ड स्टेज ऐसा आएगा, इन दोनों के बीच दूरी अगर बना ली जाए, इन दोनों के बीच अगर दूरी बना दी जाए तो ये और इस तरीके से शिफ्ट करेगा, है ना। तो यहां पर मेनली चीजों को आप देखना बच्चा क्या हो रहा है। दो इंसुलेटर इन्होंने लिया हुआ है, दो इंसुलेटर लिया हुआ है, एक ये है और एक है, इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहे हैं, यानी दोनों को रगड़ा जा रहा है। इस क्रम में क्या हुआ, अब देखो ये भी न्यूट्रल था, ये भी प्लस माइनस, ये भी मटेरियल न्यूट्रल था और ये भी मटेरियल न्यूट्रल था, लेकिन जब आप क्या करते हो फ्रिक्शन इसको लगातार करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के इसमें डिस्प्लेस हो जाता है। तो चार्ज का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है एक स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। ऐसी स्थिति में जब जैसे ही दोनों को सेपरेट करूंगा तो इस पे क्या हो गया, मोर चार्ज, इस पे बच्चा क्या हो गया, ज्यादा चार्ज, और इस पे क्या हो गया, लेस चार्ज, इस पे ऊपर कितना हो गया, लेस चार्ज। तो ऐसे ही चार्ज का फ्लो हो जाना, यानी दो इंसुलेटर को जब भी गम घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स का अनबैलेंस हो जाना, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट कर जाना, ऐसा कंडीशन में जो चार्ज स्टोर होता है ये क्या हो गया, एक स्टेटिक चार्ज हो गया। अब क्या होगा, इसमें अनबैलेंस है, बस एक्स्ट्रा चार्ज इस पे क्या हो गया, डेवलप हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं बच्चा स्टेटिक चार्ज। स्टेटिक चार्ज को अगर हम और दूसरे तरीके से देखें तो कहते हैं कि रेशम के कपड़े पर अगर आप कांच की छड़ से रगड़ोगे, रेशम की कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़ोगे, तो ऐसी स्थिति में कांच की छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम के कपड़े ऋणावेशित हो जाता है, है ना। और यहां भी चार्ज जो डेवलप हो गया एक्स्ट्रा, ऐसी इसी को बोलते हैं स्टेटिक चार्ज। अब इस चार्ज को डेवलप करा के आप क्या कर सकते हो, कहीं किसी कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, कहीं अपने घर के बल्ब को नहीं जला सकते, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डेवलप हो जाता है किसी भी इंसुलेटर के अंदर, क्लियर है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। सर दो कंडक्टर के फ्रिक्शन के लिए क्यों स्टेटिक चार्ज डेवलप नहीं होता, कंडक्टर में नहीं बच्चा, ये इंसुलेटर में ही होता है, ठीक है। ये क्या कंडीशन होता है, ये इंसुलेटर के अंदर ही होता है कि उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, वो फुल्ली बैलेंस होने के बावजूद भी अपना कुछ चार्ज ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को ही बोलते हैं स्टेटिक चार्ज। तो ये कंडीशन किसके लिए हुआ बच्चा, अबाउट स्टेटिक चार्ज, स्टेटिक चार्ज। तो स्टेटिक चार्ज को एक तरीके से आपने ऐसे देखा, दूसरा स्टेटिक चार्ज को और भी इसको अलग तरीके से देख सकते हो बच्चा। आइए यहां पर स्टेटिक चार्ज की स्थिति आपने ये देखा, आइए यहां क्या हुआ, ज्यादा चार्ज है और यहां क्या था, हो गया आपका लेस चार्ज, यहां पे क्या हो गया बच्चा, लेस चार्ज। एक स्थिति और भी मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको और भी कुछ समझ आएगा। यहां देखिएगा एक ग्लास रॉड है बच्चा, हमने स्टेटिक चार्ज का एक और एग्जांपल लिया, है ना। देखो एक सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क के कपड़े हैं और यहां पर कांच की ग्लास है, ठीक है, सिल्क के कपड़े हैं और कांच की ग्लास है। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों स्थिर है तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब दोनों को फ्रिक्शन कर दी जाए, ये देखो जब इसको इधर से इधर किया जाए, यानी फ्रिक्शन में देता है, इधर इधर इसको किया जाए, तो फ्रिक्शन जैसे होगा तो कांच की छड़ पे
पॉजिटिव धनावेश आ जाता है धनात्मक और इस पे ऋणात्मक, है ना। तो इसी तरीके के प्रोसेस जहां पर कुछ एक्स्ट्रा अनबैलेंस चार्ज स्थिर हो जाता है और चार्ज का ही जो फ्लो हो जाता है उसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। जैसे ये ऐसे इसको रगड़ोगे फटाक से निकालोगे तो स्पार्किंग जैसा आपको महसूस होगा, तो इस टाइप की जो चार्ज होते हैं इसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज। मतलब ये स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। ये चार्ज क्या हुआ है? रुका हुआ होता है, रुका हुआ रहता है। ये चार्ज ही बच्चा क्या करता है? रुका हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से मेनली होते हैं, एक होता है स्टैटिक चार्ज, दूसरा डायनेमिक चार्ज। बट दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो इसमें एक पॉइंट और चाहे तो आप भर दीजिए, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट में लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस अगर बच जाए, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन, दिस इज Not used for commercial application. This is not used for commercial application. Here, this is static charge. Now, static electricity. क्लियर है? यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, डायनामिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो सारी चीजें हैं जिससे आपके घर तक बिजली आ रहा है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जा रहा है? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को, डायनामिक स्टैटिक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके जेनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हो रहा है, क्लियर ना, जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, जो सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, जो हाइड्रो पावर से डेवलप हो रहा है ना, जो बैटरी के थ्रू डेवलप कर सकते हो, तो इन सब के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है वो कमर्शियल एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकते हैं, लंबे समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन्स का लगातार फ्लो हो रहा हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अपन कह सकते हैं, यहां पे हम लिखा चार्ज, यहां पे स्टैटिक है, यहां चार्ज क्या होगा? चार्ज डायनामिक होता है, डायनामिक चार्ज। डायनामिक मतलब ये बढ़ता है, मतलब चलता फिरता, डायनामिक मतलब चलता फिरता, है ना। डायनामिक मतलब क्या हो गया? चलता फिरता रहता है। तो चार्ज क्या होता है? डायनामिक होता है। और ये जो होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलग अलग तरीके हैं, इसके सोर्स अलग है प्रोड्यूस होने के। इसके सोर्स आप देखेंगे कि ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। इट कैन यूज, इट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल कमर्शियल एप्लीकेशन। यह क्या होता है? कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। नाउ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होता है, एक बार इसकी जानकारी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आप बाल को रगड़ते हो कभी स्पार्क मारता है, देखते होंगे, है ना। कभी किसी कपड़े को छूते छूते आपको लगता है कि चिंगारी सा लगा, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चा, अब नेक्स्ट स्थिति में आपको बताऊं, नेक्स्ट स्थिति अगर मैं बताऊं तो बच्चा आपके जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, नेक्स्ट स्थिति में बताऊं जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है बच्चा, ये मुख्यतः जो डेवलप होते हैं उनके कई स्रोत हैं, है ना। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होते हैं उसके कई स्रोत हैं, जैसे कि आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये कई
स्रोत से होते हैं डेवलप, जैसे कि मैं कहूंगा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, है ना। लाइट के मदद से आपके डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। जैसे सनलाइट किसी सोलर पैनल पे अगर पड़ता है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपके घरों तक बिजली भी आता है, या रूफटॉप भी आजकल सोलर पैनल चलने लगे हैं, आपके छतों पर इलेक्ट्रिसिटी पैनल बैठ रहे हैं। टाटा कंपनी जो है इसके लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है, इंडिया में बहुत जगह इसे काम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, क्योंकि छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, सोर्स जो हो गया डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे क्या हो गया, सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हुआ और आपके घरों तक इलेक्ट्रिकल्स आ रहे हैं, मतलब करंट आ रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, तो ऐसे डायनामिक में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। नेक्स्ट दूसरा है थर्मोकपल, यानी तापीय स्रोत, यानी आप कर सकते हो सोर्स ऑफ टेम्परेचर, सोर्स ऑफ टेम्परेचर आप कह सकते हो, हीट, सोर्स ऑफ हीट भी कह सकते हो, या टेम्परेचर। यहां पे कैसा काम होता है बच्चा, आपने देखा होगा थर्मोकपल, आपने नाम कभी सुना होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले दिनों में हम मेजरमेंट के अंदर पढ़ेंगे। एक टर्म होता है दैट इज थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के अंदर बच्चा ये आपको देखने को मिलेगा कि दो डिफरेंट हीट, अगर दो डिफरेंट मटेरियल के पास दो अलग अलग हीट टेम्परेचर दिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हीट का इफेक्ट, या टेम्परेचर का इफेक्ट से भी आपको वोल्टेज देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सोर्स ऑफ मैग्नेट, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक सोर्स आप मैग्नेट कह दे सकते हो, कि मतलब चुंबकीय स्रोत भी होते हैं। चुंबकीय स्रोत कैसे, जैसे कि बच्चा एक जनरेटर को आपके कंडक्टर के द्वारा अगर कट कराया जाता है, एक जनरेटर में फील्ड को, चुंबकीय फील्ड को कंडक्टर के द्वारा कट कराया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हो। तो मैग्नेट के, मैग्नेटिक इंपैक्ट के कारण भी आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हो, और सबसे ज्यादा तो यूजफुल यही है, है ना। नेक्स्ट है केमिकल स्रोत, यहां पे आप कह सकते हो सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करा के भी बच्चा आप क्या कर सकते हो, क्या करते हो, बैटरी बनाते हो और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कराते हो, अलग अलग छड़ रखते हो और यहां पर क्या करते हो, कुछ सोलवेंट रख देते हो, घोल रखते हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाते हो। या जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, बैटरी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाते हो, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस करने के कुछ इतने तरीके हैं। पहला तापीय स्रोत, यानी पहला है आपका सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा है आपका नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट या सोर्स ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंपैक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, और नेक्स्ट है आपका केमिकल इफेक्ट, है ना, केमिकल के कारण। तो इस तरीके से इन सभी स्थिति में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करते हो, जिसका कारण होता है चार्ज फ्लो करता है, जबकि इससे पहले वाली स्थिति में चार्ज फ्लो नहीं करता था। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन देखेंगे बच्चा, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप हो गए, अब यहां पर कुछ बात को चर्चा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरीके से होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। थर्मोकपल रिपीट, एक बच्चा बोल रहा है थर्मोकपल रिपीट। बच्चा देखिए, एक्चुअली थर्मोकपल क्या होता है कि जब दो, एक मटेरियल, देखिए इसमें बहुत सारे सीबैक इफेक्ट है ना, उसके बाद आप देखोगे सीबैक इफेक्ट है, थर्मो कपल है, इसमें तीन ऐसे हैं, मेरे दिमाग से भी हट रहा है, अलग अलग इंपैक्ट है। क्या होता है कि जैसे एक ही मटेरियल रखोगे लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर रखोगे ना, तो क्या होता है, ईएमएफ डेवलप होता है उन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस।
दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आप दो डिफरेंट मटेरियल को किसी जंक्शन पे आप क्या करते हो, मीट कराते हो, जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन अलग होता है, तो उसके कारण भी ईएमएफ डेवलप होता है। तो अलग, फिलहाल मैं टेम्परेचर इंपैक्ट का बोल रहा हूं कि अगर आपने मटेरियल रखा किसी जंक्शन पे, दो मटेरियल रखे और कहीं एक जगह हॉट कर दिया, एक जगह कूल कर दिया, तो इसके कारण भी इस कंडक्टर पे ईएमएफ डेवलप होगा। कहीं हॉट है, कहीं कूल है, इस स्थिति के कारण क्या होता है, इस मटेरियल में दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उसको भी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होना। ये अपन देखेंगे थर्मोकपल के अंदर, ठीक है ना। सीबेक इफेक्ट होता है, पेल्टियर इफेक्ट होता है ना, ये भी होते हैं। अब अपन बच्चा देखते हैं एक बार टर्मोलॉजी को, वो टर्मोलॉजी होगा अपने लिए, इस टर्मोलॉजी को अपन बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज जो मूव कर रहा है, ये चार्ज आ कहां से रहा है ना। अगर आप बात करोगे इन चीजों की, बात करिए बेसिक से उठा के लेके चलते हैं, आगे फटाक से इससे निकल जाएंगे, यहां से कुछ बेसिक चीजों को करते हुए चलते हैं और निकल जाएंगे आगे फटाक से, बहुत ज्यादा समय यहां पे नहीं लगेगा। कि सर एक होता है मैटर, है ना, पदार्थ, पदार्थ के बाद की स्थिति बोले तो सर होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, सर मॉलिक्यूल्स के बाद की स्थिति को बोलू तो वो होता है एटम, सर एटम के बाद की बात बोलो तो होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, है ना, कुछ ऐसे टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, किस तरीके से ये डेवलप होता है, एक बार इसकी जानकारी अपने को ले लेना है, ठीक है ना। ये क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है, इसकी जानकारी बच्चा एक बार अपने को ले लेना है। सबसे पहले मैटर, पदार्थ क्या है, तो आइए आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, तो ये सबसे बेसिक से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में बचपन से पढ़ते आए, लेकिन फिर भी पदार्थ उनको कहते हैं कि पृथ्वी पर वो सभी चीज जो एग्जिस्ट करता हो, है ना, जिसके पास अपना मास हो, अपना कुछ स्पेस करने का, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करने का कुछ कैपेसिटी हो, वो सभी हमारे लिए क्या है, पदार्थ है, मैटर है, है ना। सर गैस के प्लाज्मा स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है टाइप के डायनामिक, क्या चीज, गैस के प्लाज्मा क्या बोल रहे हो, प्लाज्मा एक अलग चीज है, ये एक आप स्टैटिक चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। नाउ प्लाज्मा क्या है, एक तरीके से चार्ज है बच्चा, प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज है, प्लाज्मा क्या है, एक स्टैटिक चार्ज है। पूरे ब्रह्मांड में समझो कि 99% तो सिर्फ स्टैटिक चार्ज है, पूरे ब्रह्मांड में 98% सिर्फ स्टैटिक चार्ज है, है ना। जैसे सन, सन पे क्या स्टैटिक चार्ज ही तो है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं मैटर, पदार्थ यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग कॉल्ड मैटर, कोई भी चीज, ये बोर्ड है, मैं हूं, आपका कोई बोतल है, ये बोतल है पानी का, तो एग्जिस्टेंस, जिस चीज का एग्जिस्टेंस है, जो स्पेस छेकता हो, जिसके अपना कुछ मास हो, सभी चीज क्या है जी, मैटर है। मैटर के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि मैटर जो है पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्था में पाई जाती है, ये पदार्थ मुख्यतः कितने अवस्था में पाई जाती है बच्चा, तो बहुत ज्यादा इसमें अपन को एक ओवरव्यू लेके आना है, क्योंकि बहुत बच्चा को ये बेसिक भी जानकारी नहीं होती, तो यहां से मैं ओवरव्यू लेते हुए इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हुए तब करंट पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि करंट फ्लो ऑफ चार्ज, चलो बच्चा करंट को लेके चलते हैं, नहीं, है ना, इतना करंट इतना एम्पियर, ऐसा शुरू नहीं करेंगे हम, एक एक चीज को उठा के कोशिश करते हैं ताकि एक धरातल से लेके आगे तक जाए। तो बच्चा मैटर जो पदार्थ होता है, ये मुख्यतः तीन तरीके का पदार्थ होता है, आपने पहले भी देखा होगा, पहला होता है सॉलिड, दूसरी स्थिति होता है लिक्विड, तीसरी स्थिति होता है बच्चा गैस। हालांकि
पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है अपन कहते हैं प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा को इतना डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वहां पर ही मेनली चीजों की डिस्कशन करते हैं, जबकि प्लाज्मा पृथ्वी पर आमूमन आपको नहीं दिखेगा, ये पृथ्वी के अंदर दिखेगा या फिर तारों में दिखेगा या फिर सूर्य भगवान के अंदर दिखेगा। इसीलिए प्लाज्मा का डिस्कशन हम बहुत कम करते हैं। पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो 98% तो प्लाज्मा ही है। इसीलिए हम चर्चा जो है जो हमारे एग्जिस्टेंस के आसपास है हम उन्हीं की करते हैं, यानी हम चर्चा करते हैं सॉलिड की, हम चर्चा करते हैं लिक्विड की, हम चर्चा करते हैं गैस की, जो हमारे पृथ्वी पर अमन है। वरना तो सिर्फ प्लाज्मा पूरे यूनिवर्स में कितना परसेंट, 98% प्लाज्मा यूनिवर्स में। अगर बात करें इन यूनिवर्स 98% प्लाज्मा एग्जिस्ट, 98% प्लाज्मा क्या करता है बच्चा, एग्जिस्ट करता है। और बात जानना है तो ये भी जान लीजिए, प्लाज्मा क्या है, इट इज आयंस। ये क्या है, आयंस है और चार्ज है। ये क्या है, आयंस और चार्ज ही है। प्लाज्मा क्या है, आयंस है और चार्ज है। अच्छा एक चीज और बता दे यहाँ पे कि ये इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, ये आयंस चार्ज कहाँ है, 98% खाली यही है, मतलब 2% में है, बिल्कुल बहुत कम है अपन, है ना, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की बात हो रही है ना जिसमें सूर्य तूर्य तारे सब आ गए, है ना। अब देखिए ये मेनली कहाँ है, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह, एट द सेंटर पृथ्वी के केंद्र में है ये चार्ज, पूरा लाल जो बोलते हैं ना प्लाज्मा है, लाल लाल रेडिश कलर टाइप का, ये सब क्या है, प्लाज्मा है। दूसरा ऑन स्टार, ऑन जितने स्टार हैं, जितने तारे हैं, है ना, सरफेस ऑफ सन, जो सूर्य के सरफेस पे आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, प्लाज्मा ही तो है। तो इनके बारे में यही जानकारी ध्यान में रखिए। दिस इज फोर्थ स्टेज, है ना। तो हम मेनली चूंकि हमारे एग्जिस्टेंस में क्या है, हम इस पृथ्वी पे आपको क्या दिख रहा है, या तो हवा दिख रहा है, या तो पानी दिख रहा है, या फिर कोई सॉलिड एलिमेंट दिख रहा है, यही है। इसीलिए सॉलिड लिक्विड गैस कहते हैं, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर होगी। अब समझिए कि पदार्थ से ही बच्चा निकला क्या है, पदार्थ से ही निकला है मोलिक्यूल्स। अब यहां पर बात करते हैं पदार्थ से ही क्या निकला है, मोलिक्यूल्स। तो पदार्थ से मॉलिक्यूल्स कैसे, सर हम किसी भी पदार्थ को ले लेते हैं, जैसे कि जल एक क्या है, पदार्थ है, है ना। तो जल के अंदर अगर आप बात करो तो ये H2O है ना, जितने भी चीज मान लो, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, पृथ्वी पे जितने भी चीज है सब क्या है, मैटर है। पहले क्या है, पदार्थ है, मैटर है, ध्यान से समझिएगा। मैटर कोई भी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनते हैं। मैटर कोई भी है बच्चा, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलके बनते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स को मिलके बनते हैं, और बहुत सारे एटम्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को मिलके बनते हैं। ये जानकारी रखिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को मिलके बनते हैं। तो पदार्थ को आप ऐसे देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहीं से निकाल लिया है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन्स हमने यहीं पे आपके लिए निकाल दिया बच्चा। वेट 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 वेट, वेट। ये देखिए फिलहाल तो हमारा अब आ गया क्या, यहां मैं अगर बात करूं तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो पदार्थ तो सब है, चाहे आप लिक्विड की बात करें तो पदार्थ है, सॉलिड की बात करें तो पदार्थ है, गैस की बात करें तो पदार्थ है। अब इसमें किसी
पदार्थ का एक चीज ले लिया, जैसे कि पदार्थ से कोई मैंने लिया पहले जल, क्या लिया जी बच्चा जल, वाटर, क्या लिया मैंने वाटर, तो हमने लिया वाटर, तो वाटर क्या एक मैटर है। अब ये वाटर क्या है H2O, बहुत सारे H2O को मिलके बना है, ये पानी जो है बच्चा बहुत सारे वाटर को मिलके बना है ना, तो ये देखिए समझिएगा बात, पानी पदार्थ है, जबकि पदार्थ ये पानी कितने बार तोड़ते हो, पानी को कितने भी टुकड़े बांटते हो, कितना छोटा छोटा हो जा रहा है, और छोटा करिए, वो छोटा जो करिएगा वही H2O है, और इसी को बोलते हैं मोलिक्यूल्स, H2O क्या है आपका एक मोलिक्यूल्स है। अब समझिएगा बच्चा, यही H2O को और तोड़िएगा तो आपको O निकलेगा जी, आपको H मिलेगा, है कि नहीं, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये जो ऑक्सीजन को तोड़ने की विधि है ये नॉर्मल तरीके से नहीं टूटता, पर इसके तोड़ने के प्रोसेस होते हैं, और ऑक्सीजन जब आप इससे बाहर निकाल दे रहे हो ये कहलाते हैं एटम्स, क्या कहलाते हैं एटम्स। अब सिर्फ ये एटम्स फिर अकेला बच्चा नहीं है, ये एटम्स जो है इसके चारों साइड आपने देखा होगा चक्र चलता है, चक्र चलता है, यानी ये भी अकेला नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते रहता है, बीच में प्रोटॉन्स है ना, और न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। तो समझिए, सबसे पहले मैटर, पदार्थ पृथ्वी पे जो भी चीज दिख रहा है ये भी मैटर है। अब जैसे पानी की बात की तो मैटर हमने एक लिया कोई H2O ले लिया, अब H2O में जब इसको तोड़ रहे हो तो आपने किस में तोड़ा, इसके एटम्स में, एटम सबसे परमाणु सबसे छोटा कण होता है, उसके बाद उस एटम को भी देखोगे तो उस एटम में भी चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि चक्रण चलते रह रहा प्रोसेस, किसका इलेक्ट्रॉन्स का, और यहीं से इलेक्ट्रॉन्स अपन देख पाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पा रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जितना ज्यादा आप दिख रहा है आपको इस पृथ्वी पर, हमारे घर तक आए हैं किसी NTPC के थ्रू, तो इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण आ पा रहा है। ये बात अलग है, यहाँ मैं पानी की चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ चर्चा करता किसी कॉपर कंडक्टर की तो कॉपर के कंडक्टर में भी हम देखते हैं Cu कॉपर, कोई पदार्थ है पदार्थ में सॉलिड को पदार्थ, सॉलिड पदार्थ में ले लेते कॉपर, कॉपर में देखते हैं कि बाहरी कक्षा में 29 है तो बाहरी कक्षा में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा किसी एटम्स के अंदर, किसी एटम्स के अंदर बच्चा जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब बाहरी कक्षा में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उतना बढ़िया से अच्छा कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस हर जगह है, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस क्या है हर जगह है, जो कंडक्ट नहीं करता समझो उसमें ऑक्टल पूरा हो चुका है या उसके वो स्टेबल एलिमेंट है, वो जल्दी टूटता ही नहीं इसलिए वो कंडक्ट करता ही नहीं। तो जिस भी मटेरियल में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही अच्छे से कंडक्टर बनता है, वही अच्छा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा सकता है। तो हमेशा कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है ऐसे मटेरियल्स के साथ होता है जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, फ्री हो, फ्री हो, ऑक्टल पूरा ना किया हो, या फिर एक जो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन होता है उसको फुलफिल ना किया हो, तो उसमें आराम से धारा बहेगा, आराम से धारा क्या करेगा बहेगा, क्लियर ना। तो उसी तरीके से हमने एक चर्चा किया कि सबसे पहले मैटर पदार्थ तो है ही, उसके बाद आता है मोलिकुल्स। अब मोलिकुल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, एटम्स को क्या बोलते हैं, जैसे मोलिकुल्स को हिंदी में बोलते हैं क्या, अणु, अणु, और एटम्स को क्या बोलते हैं, परमाणु, है ना। अगर किसी बच्चा को इसमें भी कंफ्यूजन हो, ये पदार्थ, ये अणु, ये अणु, ये परमाणु, है ना, ये भी चीज ध्यान रखना, और इस तरीके से आपको मिल गए फाइनली इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह धारा कहलाता है, यहीं से ना आगे बढ़ेंगे। चलिए किसी बच्चे की क्वेरी है, क्लियर 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 क्लियर, तो मुझे लगता है यहां तक की जानकारी आपको मिल चुका है, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगा, ठीक है ना। अभी और देखते हैं इन चीजों के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी बच्चा और ले लेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक देखने को मिल गया, थोड़ी सी जानकारी यहाँ से और ले लेंगे, थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि कोई एटम है, कोई मोलिक्यूल्स है, जैसे ये देखो बच्चा एक मोलिक्यूल्स है,
ये कौन सा ऑक्सीजन एटम्स के कोई मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन भी है और दो हाइड्रोजन एटम्स भी है। तो ऑक्सीजन के अंदर एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अगर लिया, जैसे क्या लिया H2O लिया, इसने क्या लिया H2O लिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है तो कितने हो गए हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एक, है ना, ये मॉलिक्यूल हुआ। अब आइए एटम फिर बनाया इसने, क्या किया फाइनल यहाँ पे एटम्स बनाया और इस एटम्स में क्या किया इसने, एटम जब देखा तो देखा कि इस एटम में क्या चल रहा है, आठ बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है तो किसकी चर्चा किया, आठ बाहरी इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होगा जी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर बच्चा क्या होता है यहाँ पे देखना, जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर आठ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सबसे पहले कक्षा में दो होता है, उसके बाद फिर क्या होंगे छह होंगे, जिस तरीके से आठ पूरा होता है, तो आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आठ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि नाभिक में होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, कहीं लिखा है क्या न्यूक्लियस, नहीं तो लिख देता हूं मैं, आप देखो क्या होता है आठ प्रोटॉन होगा और आठ ही क्या हो न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये सेल जो होता है ये क्या कहलाता है न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है, ये वाला सेल क्या कहलाता है न्यूक्लियस मतलब नाभिक, क्लियर, तो मिल गया ना आपको इलेक्ट्रॉन्स, अब इसी इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको बहाना है, इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, इसलिए पानी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हो ही जाता है, पानी के अंदर बच्चा क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, विशाल काय पानी में अगर कभी करंट दे दोगे तो फिर आपका करंट का फ्लो नहीं होगा, पर छोटे मात्रा के अगर वाटर है बहुत कम पानी है और उसी सफिशियंट लेवल का आपका वोल्टेज है तो उसमें भी करंट का फ्लो हो जाता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में छह इलेक्ट्रॉन्स है, ये अस्टेबल नहीं है, आठ होता तो स्टेबल होता फिर करंट इसमें बहता नहीं, है ना, लेकिन छह है तब भी ये बहा देगा करंट, है ना। चलिए तो चलिए इसके बारे में एक चर्चा होगी छोटी सी जानकारी, तो बच्चा आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आपको मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल के लाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री से उठा के इलेक्ट्रॉन्स को हमने उठा के लाया है, अब धारा को बहाएंगे, अब किसको बहाएंगे धारा को, अलग अलग मटेरियल में बहाएंगे, तब हम अलग अलग मटेरियल की बात करेंगे, तो क्योंकि कंडक्टिविटी के आधार पर अलग अलग मटेरियल, अभी तो आपको मैटर को बांट दिया कितने तीन अवस्था में, जो जेन्युइन था, लेकिन कहेंगे पदार्थ को बांटो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन के आधार पे तो वो अलग तरीके से बढ़ जाएगा, तब बढ़ेगा क्या कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बढ़ जाएगा, अभी उसी पदार्थ को हम बांट दिए तो सॉलिड लिक्विड गैस बोल दिए, क्यों, क्योंकि इन जनरल बोले किसी स्पेसिफिक बात पे चर्चा नहीं किए, यही मैकेनिकल वाला बच्चा होता कहते कि स्ट्रेंथ के आधार पे बांटिए मटेरियल को, है ना, तो वो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आधार पे बांटता है मटेरियल को, तो अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है किस आधार पे किसको बांट रहे हैं। अब छोटी सी बात आज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा कल ही बहाएंगे तो बेहतर होगा, आज छोटी सी बात अपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपन कल ही बहाएंगे तो बेहतर होगा, चलिए अच्छा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन आ ही गया तो थोड़ी चर्चा और कर ले, थोड़ी चर्चा और कर ले, इस पप्पू को एक बार घुमाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन आ ही गया तो बच्चा एक छोटा सा बात रखना ध्यान में, पूछ लेगा कोई बड़ी चीज नहीं है, जबकि बच्चा ये भी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बारे में अभी और भी जानकारी आपको लेना है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बारे में अभी और भी जानकारी लेना है, तो ध्यान रखिएगा कई बार अब जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ गए, क्योंकि इसी सीरीज में हमारा सब चलना है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब जान गए, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अब इनके बारे में थोड़ी और सी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, तो इस जानकारी को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, एक ट्रिक है छोटा सा सबको पता ही होता है पर मैं आपको एक बार बता देता हूं, ईट पर
नाचे ट्रिक याद रखना, हिंदी मीडियम वाला। अब इंग्लिश वाला बोलेगा तो मैच नहीं करेगा, जो इंग्लिश मीडियम होगा उसको मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ईट पर नाचे ऐसा ट्रिक दिमाग में रखिएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के खोज करने वाले कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स के खोज करने वाले कौन थे, प्रोटॉन के खोज करने वाले कौन थे, न्यूट्रॉन के खोज करने वाले कौन थे, इसका ट्रिक आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, है ना। इसका ट्रिक बच्चा आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है ना, आइए बच्चा अब यहां पे देखना, यहां पे मैं अगर इसकी बात करूं ईट पर नाचे, तो ई से इलेक्ट्रॉन्स, ई से इलेक्ट्रॉन्स बच्चा, तो ई से इलेक्ट्रॉन्स, तो टी से जे जे थॉमसन। क्या ध्यान में रखना है, जे जे थॉमसन, थॉमसन दिमाग में रखना, आपका काम हो जाएगा, थॉमसन रखना दिमाग में। अब पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, आर से बच्चा रदरफोर्ड, ये भी दिमाग में रखना। नेक्स्ट न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, सी से क्या चैडविक, तो ये भी ध्यान रखना। अब बहुत बार अगर बच्चा एक ध्यान रखना कि प्रोटॉन के आविष्कारक अगर रदरफोर्ड ना मिले तो प्रोटॉन का आविष्कारक गोल्डस्टीन भी दिमाग में रखना है। क्या रखना है, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का आविष्कारक गोल्डस्टीन, क्योंकि इसके थ्योरी प्रूफ नहीं होने के कारण क्या हुआ था, इसके थ्योरी को रिजेक्ट किया, जबकि 1911 में इसमें में ही इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। एक छोटा सा ट्रिक है जिसको दिमाग में देखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक्स है इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नौ बच्चा एक छोटी सी जानकारी और ले लीजिए, कभी पूछ देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, पूछ सकता है, है ना। बिल्कुल बैटरी का क्वेश्चन एकदम आएगा, डोंट वरी, बैटरी का क्वेश्चन एकदम आ सकता है, पिछले कुछ दिनों पहले भी आए थे, ठीक है। अब यहां से आइए बच्चा, एक और बात मैं कहता हूं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा, अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्या है इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसका जो वेट है नेग्लिजिबल माना गया है, इसका जो बच्चा है वेट वो क्या माना गया, नेग्लिजिबल माना गया, तो सबसे छोटा भार तो प्रोटॉन का ही होता है, वेट नेग्लिजिबल। लेकिन कभी पूछ दे वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भार जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो क्या होता है जी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का भार कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स सर 9.1 × 10⁻³ -31 किलोग्राम, है ना वेट। और इस पे चार्ज जो होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो होता है वो कूलम्ब में तो होता है, पर चार्ज कितना होता है बताएं, 1.6, है ना, कॉन्स्टेंट पावर -19 कूलम्ब, 90 कूलम्ब, चार्ज नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव में, 1.6 × 10⁻¹⁹, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी रखना। नौ बच्चा थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में जानकारी रख लीजिए, प्रोटॉन,
तो प्रोटॉन का वेट जो होता है वो मास की सबसे छोटी इकाई में होता है, जो कि होता है एएमयू के रूप में। ये तो एक छोटी सी जानकारी आपको देखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो मास होता है बच्चा, वो मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, वो होता है एएमयू। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, जो बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के, है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है बच्चा, इसका वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है, कॉस चेक करिएगा एक बार, 1.6 cos 10^-27 अप्रोक्स, है ना, देख लेना, 1.6 cos 10^-27 किलोग्राम, है ना, 1.6 cos 10^-27 किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्या ये क्या कंफर्म है सभी, यही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो प्रोटॉन्स का मास 1.6, यहाँ पे 1.6 cos 10^-19 कूलम है, यहाँ पे 9.1 cos 10^-31 किलोग्राम है, जबकि यहाँ पे 1.6 - 27 किलोग्राम है, यही होता है आपके मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, एक बार कंफर्म कर ले सभी बच्चे, प्लीज एक बार कंफर्म करें, मेरे दिमाग से भी हो सकता है स्किप कर गया हो, बट एक बार कंफर्म कर ले, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। एक बार क्रॉस चेक करिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इट करेक्ट और नॉट, 1.6 cos 10^-27 किलोग्राम, एकदम सही है जी, है ना, एकदम सही है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स का मास 9.1 cos 10^-31 किलोग्राम, प्रोटॉन का 1.6 cos इतना किलोग्राम, ठीक है ना, ये लगभग नेग्लिजिबल ही माना गया है, इसीलिए इसको क्या माना गया, नेग्लिजिबल। कई बार आपसे ये पूछता है रिलेशन कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच कितने गुने का डिफरेंस है, तो बच्चा ध्यान रखना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना गुना है, 1840 गुना टाइम्स, कौन ज्यादा है, 1840 टाइम्स क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कहीं 1836, कहीं 1840, कहीं 1835, ऐसे रहेगा तो आपको दिमाग में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, सेशन थोड़ा लेट हो गया, अभी आजकल थोड़ा बच्चा लेट हो जा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन इसको जल्दी हम कवर करेंगे और आपका दो सेशन भी जल्दी शेड्यूल कर देंगे, दो सेशन आपका लाइव चलेगा, ठीक है ना, दो सेशन आपका लाइव हम करवा देंगे इसको। तो सो आज के सेशन के लिए यही है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने चर्चा किया, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएंगे, करंट, धारा, करंट, वोल्टेज, इन पे जाएंगे और वहीं पे चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन के लिए, तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए,
हम मिलेंगे आपसे कल के सेशन में। लेकिन बच्चे सभी को शेयर कर देंगे अपने जानकारी को, क्योंकि ये सेशन बेहतरीन तरीके से हम आप लोग के सामने लाने वाले हैं और बहुत सारे चीजों की डिस्कशन इसके अंदर होगी। और अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज लाइव भी मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।